नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब इंग्लैंड के दौरे पर है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 22 मई से हो रही है। जी हाँ, 22 मई को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच पहला T20I मैच हेडिंगली में खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये मुकाबला 22 मई को रात 11 बजे शुरू होगा। देखिए, यहाँ की पिच रिपोर्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक मुकाबला खेला गया है जहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने पहले मैच में ही जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 200 का, तो वहीं हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने दर्ज किया है 200 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर भी 200 का ही इंग्लैंड के नाम दर्ज है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मुकाबला अभी तक खेला गया है। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो 29 मैचेस में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम का आमना सामना हुआ है। एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं 19 मुकाबले, तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने 9 मैचेस में जीत दर्ज की है। तो वहीं लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करें तो देखिए, इंग्लैंड ने 3 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। अब देखिए, इंग्लैंड के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि IPL 2024 में अपने बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन कर अपने देश वापस लौटे हैं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज उन्होंने खेल ली थी। तो ऐसे में जॉस बटलर यहां पर अपनी टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे दोस्तों। अब वो किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे अपनी प्लेइंग 11 में शामिल होने का पाकिस्तान के खिलाफ, चलिए उनके नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिलिप सॉल्ट, जो कि IPL में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके अपने देश वापस लौटे हैं और इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा बेन डकेट हैं, जॉस बटलर जो कि राजस्थान के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर लौटे हैं, लियम लिविंगस्टोन है, जॉनी बेरेस्टो जो कि पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं IPL 2024 में। तो इस T20I सीरीज में ये जो खिलाड़ी हैं बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा विल जैक्स हैं जो कि RCB के लिए खेलकर वापस लौटे हैं, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अब देखिए, इसमें फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, जॉनी बेरेस्टो, विल जैक्स और सैम करन जो हैं अभी IPL से वापस लौटे हैं दोस्तों। तो ऐसे में ये जो खिलाड़ी हैं इनसे पाकिस्तान की टीम को बचकर खेलना होगा अगर उन्हें ये सीरीज जीतनी है। तो अब अगर T20I में इनके स्टैट्स की बात की जाए तो देखिए, जॉस बटलर ने 107 मैचेस खेलते हुए 3582 रन स्कोर किए हैं 144.61 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है फिल सॉल्ट का, जिन्होंने 21 मैचेस में 639 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 165.95 का। जॉनी बेरेस्टो की अगर बात करें तो 70 मैचेस में उन्होंने 1512 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट है 137.58 का। इनके अलावा अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो देखिए, क्रिस जॉर्डन है, जिन्होंने 88 T20I मैचेस में 96 विकेट्स निकाले हैं 8.72 के इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है यहां पर जोफ्रा आर्चर का, जिन्होंने 15 मैचेस में 7.66 के इकोनॉमी रेट से 18 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ये हो गए इंग्लैंड के वो खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में हमें नजर आ सकते हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो देखिए, आयरलैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान की टीम ने सीरीज जीत ली है, लेकिन इंग्लैंड के सामने उन्हें ये सीरीज जीतना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी इनसे काफी स्ट्रांग नजर आती है। हेड टू हेड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 मुकाबले इंग्लैंड के नाम दर्ज हैं, तो वहीं 9 मुकाबले मात्र पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन चुके हैं T20 के, तो किन 11 खिलाड़ियों को वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने का मौका देंगे, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सैम आयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, आजम खान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ या फिर मोहम्मद आमिर। जी हाँ, हैरिस रॉफ या फिर मोहम्मद आमिर में से कोई एक खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हो सकता है। अब बिना किसी देरी के पाकिस्तान के की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो बल्लेबाजों के बारे में आपको पहले बता देते हैं, जहाँ पर पहला नाम है कप्तान बाबर आजम का, जिन्होंने 117 मैचेस में 3955 रन स्कोर किए हैं 129.97 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद रिजवान काफी अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं अभी तक T20 में, और उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी वो अपनी टीम के लिए अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 96 मैचेस में अभी तक उन्होंने 3180 रन बनाए हैं 128.23 के स्ट्राइक रेट से। फखर जमान का भी नाम हमने यहां पर शामिल किया है, जिन्होंने 86 मैचेस में 1761 रन स्कोर किए हैं। इनके अलावा इमाद वसीम, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, 71 मैचेस में उन्होंने 513 रन स्कोर किए हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो वहीं 68 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाजों की अगर बात करें तो शाहिन अफरीदी हैं, जिन्होंने 88 विकेट्स निकाले हैं 64 मैचेस खेलते हुए। और आखिरी नाम है हैरिस रॉफ का। जी हां, अगर हैरिस रॉफ को यहां पर जगह मिलती है तो देखिए, उन्होंने 66 मैचेस में 90 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 8.2 का। तो ऐसे में ये वो खिलाड़ी है पाकिस्तान के जो कि इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़े दोस्तों, तो
देखिए यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन को, क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से तो एक ही मुकाबला यहाँ पर खेला गया है और उस पहले ही मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया था। तो देखिए यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन को देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान पर भारी नजर आ रही है। 10 मुकाबले ज्यादा इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं पाकिस्तान के मुकाबले, और साथ ही यहाँ पर देखिए आईपीएल 2024 से वापस लौटे हैं कई खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है और इस सीरीज की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड की टीम जीत के साथ कर सकती है। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।